नमस्ते, आप सबको हमारा डिफॉर डायलिसिस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस, मतलब डायलिसिस का मेकानिज्म क्या है, कौन कौन से मेकानिज्म के ऊपर डिपेंड करके डायलिसिस होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि ये जितने भी डायलिसिस का मेकानिज्म है कहाँ यूज होता है। ये जितने भी मेकानिज्म है, ये डायलिसर जो है, डायलिसर के अंदर जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन में ये मेकानिज्म यूज होता है। ठीक है, डायलिसिस के अंदर जितने भी मेकानिज्म है ये डायलिसर में यूज हो रहा है, जिसके अंदर जो सेमीपर्मनेंट मेम्ब्रेन है, सेमीपर्मनेंट मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली ये मेकानिज्म यूज हो रहा है। तो कैसे यूज होता है, यहाँ पे इधर से ब्लड इन होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट विद ब्लड है वो इधर से इन होता है, और यहाँ से जो फ्रेश ब्लड निकलता है, और इधर से डायलिसिस इन होता है, और इधर से डार्टी डायलिसिस जो है वो निकलता है। तो डायलिसिस जो इधर से इन हो रहा है, इधर से ब्लड इन हो रहा है, इसके थ्रू यहाँ पे ब्लड का क्लियरेंस होता है, उसके थ्रू जो फ्रेश ब्लड है वो इधर चला जाता है, और जो डार्टी डायलिसिस जो मतलब जो वेस्ट निकलता है या फिर जो एक्स्ट्रा बैलेंस होकर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट निकलते हैं वो सब वेस्ट डायलिसिस होकर इधर निकल जाते हैं। तो डायलिसिस का मेकानिज्म ऐसे ही काम करते हैं। आप देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस क्या होता है। पहले तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, ए सब्सटेंस इन व्हिच ए सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, एग्जांपल वाटर। तो जिसके अंदर कोई सॉल्यूट या कुछ डिसॉल्व हो जाता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। जैसे पानी के अंदर अगर सॉल्ट या शुगर कुछ भी डिसॉल्व हो जाता है तो यहाँ पे वाटर है सॉल्वेंट। ठीक है, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, मतलब सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। और सॉल्यूट क्या है, ए सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व ए सॉल्वेंट। तो एग्जांपल सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम। तो जो डिसॉल्व हो जाता है उसको कहते हैं सॉल्यूट। जैसे पानी के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है या शुगर डिसॉल्व होता है या सोडियम पोटेशियम ये सब डिसॉल्व हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जो भी डिसॉल्व हो जाता है ये सब क्या होगा, सॉलिड हो गया। ठीक है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होकर सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्वेंट जिसके अंदर डिसॉल्व होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो जाता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्स होकर सॉल्यूशन बनता है। तो आप देखते हैं ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, जो पहले ही दिखाते हैं मैंने, ये डायलिसर के अंदर ये जो मेम्ब्रेन है ना, ब्लड कंपार्टमेंट, ये जो मेम्ब्रेन है इसको ही कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसके बारे में देखते हैं, मतलब ये कैसे फिल्टर करते हैं और इसका मैकेनिज्म क्या है। तो सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन, इट इज ए थिन लेयर ऑफ मटेरियल विद पोर्स और ओपनिंग दैट अलाउ सम सब्सटेंस टू पास थ्रू फ्रीली व्हिल कीपिंग अदर सब्सटेंस आउट। तो इसके अंदर ये मेम्ब्रेन के अंदर कुछ सब्सटेंस का जाने का परमिशन रहते हैं, और ऐसे बहुत कुछ सब्सटेंस है जिसका जाने के लिए अलाउ नहीं होता। ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल से वो जा पाता है, जैसे यहाँ पे देख लो ब्लू कलर और रेड कलर में जो भी मॉलिक्यूल से वो जा रहा है, और जो येलो कलर में है जो लार्ज साइज में है वो जा नहीं पा रहा है, वो बैक में आ रहा है, ये ऐसे बैक में आ गया। और ब्लू और रेड में जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल है वो जा रहा है। तो क्या बोला, इन डायलिसिस दैट द मेम्ब्रेन ओनली परमिट द मूवमेंट ऑफ द स्मॉलर इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू इट एंड नॉट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दैट आर लार्ज इन साइज। तो यही बोल रहा है कि जो स्मॉलर इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल से वो चला जाता है, जैसे रेड और ब्लू में जो स्मॉलर इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल से वो जा पा रहे हैं, जो लार्ज साइज में है मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वो जा नहीं पा रहा है। ठीक है, जैसे येलो कलर के जो मॉलिक्यूल है लार्ज साइज में वो जा नहीं पा रहे। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं, कुछ सब्सटेंस को जाने का परमिशन देते हैं, मतलब जाने के लिए अलाउ होता है, ऐसे बहुत कुछ सब्सटेंस जो जाने के लिए अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो यह है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आप देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट एंड फ्लूइड ट्रांसफर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो कौन कौन सी मैकेनिज्म को डिपेंड करके हमारे जो सॉल्यूट और फ्लूइड ट्रांसफर होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट के अंदर आता है यूरिया, क्रिएटिन, जो वेस्ट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आता है क्या, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है वो बैलेंस होता है। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया, क्रिएटिन, वो निकाल जाता है। तो यह सॉल्यूट और फ्लूइड, जो एक्सेस फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर रहता है उसको कहते हैं फ्लूइड। वो फ्लूइड भी निकालना जरूरी है, क्योंकि किडनी जब फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता तो वो एक्सेस फ्लूइड भी नहीं निकाल पाता, वो बॉडी के अंदर रह जाता है, तो उनको भी निकालना जरूरी पड़ता है। तो जो एक्सेस फ्लूइड या फिर इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस हो रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, ये सबको बोल रहे हैं सॉल्यूट और फ्लूइड ट्रांसफर। तो ये कौन कौन से मैकेनिज्म को डिपेंड करके ये सॉलिड और फ्लूइड ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली पांच मैकेनिज्म है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, अल्टरफिल्ट्रेशन, कन्वेक्शन, ऑब्जर्वेशन। लेकिन जो हमारा डायलिसिस है, डायलिसिस में डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, अल्टरफिल्ट्रेशन यूज होता है, ये बेसिक तीन, और ये तीनों आज हमारा टॉपिक है। और कन्वेक्शन ऑब्जर्वेशन तो बेसिकली एचडीएफ, एचएफ मतलब हेमोडायफिल्ट्रेशन, हेमोफिल्ट्रेशन में यूज होता है, बाद में दिखाएंगे इसके बारे में। तो आज टॉपिक है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, अल्टरफिल्ट्रेशन। ठीक है, और ये तीनों बेसिक डायलिसिस में सॉलिड और फ्लूइड रिमूव करने के लिए काम पे आता है। पहले तो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉलिड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मैंने डिफ्यूजन का पहले एक टॉपिक बना चुका हूं, उसमें कैसे सॉलिड रिमूव होता है उसके बारे में मैंने दिखाया। तो देख लेते फिर भी क्या बोला है, मूवमेंट ऑफ सॉलिड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब सॉलिड जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है उसको डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, जैसे एक ट्रे है, ट्रे के अंदर इंक डाला जा रहा है, तो इंक यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में, मतलब इंक ज्यादा है, तो इंक धीरे धीरे क्या होगा, जहां पे इंक नहीं है उधर मूव करेगा। जैसे यहाँ पे इंक हाई कंसंट्रेशन में है और यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, मतलब लो कंसंट्रेशन में, तो हाई से लो की तरफ मूव करेगा। जैसे यहाँ पे मूव कर रहा है और यहाँ पे धीरे धीरे इक्वल हो गया, तो ये हाई से लो की तरफ जो मूव कर रहा है इसको ही बोलते हैं डिफ्यूजन। और इसी मैकेनिज्म को डिपेंड करके हमारा बॉडी का जो सॉल्यूट है या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकलता है या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है। तो कैसे काम करते हैं, यहाँ पे डायलिसर है, ये डायलिसर का पिक्चर है और ये डायलिसर का इंटरनल पिक्चर है। तो इधर से ब्लड इन होता है और इधर से ब्लड आउट हो रहा है, मतलब फिल्ट्रेशन करके फ्रेश ब्लड आउट होता है, और इधर से वेस्ट प्रोडक्ट विद जो ब्लड है वो इधर से जा रहा है, और इधर से
डायलिसिस इन होता है, इधर से डर्टी डायलिसिस निकलता है, ठीक है। तो इधर से जो ब्लड अंदर जा रहा है वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड, और इधर से डायलिसिस इन हो रहा है, तो इसमें बैलेंस करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट रहता है ब्लड कंपार्टमेंट में, यूरिया क्रिएटिन रहता है, डायलिसिस कंपार्टमेंट में यूरिया क्रिएटिन नहीं रहता, तो ये हाई से लो की तरफ मूव करेगा। जैसे डायलिसिस कंपार्टमेंट में नहीं है और ब्लड कंपार्टमेंट मतलब सेपरेबल मेंब्रेन के अंदर है, तो ब्लड के अंदर है, तो यूरिया क्रिएटिन यहाँ पे जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में हाई से लो की तरफ मूव करेगा, मतलब डायलिसिस कंपार्टमेंट की तरफ मूव करेगा। तो जब भी मूव करके डर्टी डायलिसिस के थ्रू ये जो ब्लड फिल्टर के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे काम करते हैं, यूरिया क्रिएटिन इसी मैकेनिज्म को डिपेंड करके निकालता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट तो ब्लड कंपार्टमेंट में रहता है, डायलिसिस कंपार्टमेंट भी इलेक्ट्रोलाइट रहता है, तो इलेक्ट्रोलाइट का कैसे बैलेंस होता है, अगर ब्लड कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा रहेगा, डायलिसिस कंपार्टमेंट में कम रहेगा, तो ये हाई से लो की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो उसके बाद ब्लड कंपार्टमेंट में जो ज्यादा है इलेक्ट्रोलाइट, मतलब अगर पोटेशियम ज्यादा है, तो डायलिसिस कंपार्टमेंट में आ जाएगा, तो बैलेंस कर देगा, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस हो जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसी मैकेनिज्म को डिपेंड करके निकल जाता है, ठीक है। तो जितने भी सॉल्यूट है, सॉल्यूट मूवमेंट या सॉल्यूट बैलेंस होता है डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंड करके होता है। आप देखते हैं ऑस्मोसिस, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम रीजन ए लोअर सॉलिड कंसंट्रेशन टू हायर सॉलिड कंसंट्रेशन थ्रू ए सेपरेबल मेंब्रेन। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ्लूइड लोअर सॉलिड कंसंट्रेशन से हायर सॉलिड कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, सॉलिड मूव कर रहा था हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यहाँ पे फ्लूइड मूव कर रहा है लोअर सॉलिड कंसंट्रेशन से हायर सॉलिड की तरफ। तो कैसे काम करते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रे के अंदर पानी है, पानी के अंदर सॉल्यूट है, यहाँ पे इधर भी कुछ सॉल्यूट है, इधर भी कुछ सॉल्यूट है, तो इसमें क्या है, सॉल्यूट कम है लेकिन पानी उसके सबसे ज्यादा है, और इधर सॉलिड ज्यादा है लेकिन उसी हिसाब से पानी कम है। और ऑस्मोसिस का काम क्या है, ऑस्मोसिस प्रेशर कैसे काम करते हैं, जहां पर जितना सॉल्यूट है उसको उतना पानी मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पे सॉलिड कम है तो उसको उतना ही पानी मिलना चाहिए, तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे काम किया, यहाँ पे सॉलिड जितना है उसको उतना ही पानी दे दिया, और ऑपोजिट तरफ से जहां पर सॉलिड ज्यादा था उसको पानी ज्यादा दे दिया, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रेशर का काम ही है दोनों तरफ बैलेंस करना, जहां पे जितना सॉल्यूट है उसको उतना पानी मिलना ही चाहिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बैलेंस किया है, यहाँ पे सॉलिड कम है तो उसको कम पानी दे दिया, जहां पे सॉलिड ज्यादा है उसको ज्यादा पानी दे दिया, और इसी मैकेनिज्म को डिपेंड करके किशमिश के अंदर पानी भी जाता है, ठीक है। जैसे एक ट्रे के अंदर किशमिश है, किशमिश तो पूरी तो सूखा है, सूखा मतलब पूरा सॉल्यूट है, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा भी सॉल्वेंट नहीं है, तो सॉल्वेंट बिल्कुल जब नहीं है तब इसके अंदर सिर्फ हाई सॉल्यूट में है, ये हाई सॉल्यूट है, और यहाँ पे पूरा सॉल्वेंट है मतलब लो सॉल्यूट में है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस का काम क्या है, लोअर सॉल्यूट से हायर सॉल्यूट की तरफ मूव करना, ये हाई सॉल्यूट है, इसके अंदर सॉल्वेंट नहीं है किशमिश के अंदर, तो ये लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ मूव करेगा। तो जब भी लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ जब फ्लूइड मूव करते हैं तो इसी से किशमिश के अंदर पानी जाता है, यहाँ पे किशमिश पूरी तरह फूल चुका है, क्योंकि ये लोअर सॉल्यूट से हायर सॉल्यूट की तरफ फ्लूइड मूव किया है, और ऑस्मोसिस का काम ही क्या है, फ्लूइड को लोअर सॉल्यूट से हायर सॉल्यूट की तरफ मूव करना, और किशमिश हाई सॉल्यूट में था इसलिए हाई सॉल्यूट की तरफ मूव किया है, ठीक है। और ऐसे ही सेम पोजीशन कैसे होता है, हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, डायलिसिस के थ्रू जब हमारा वेन का जो ब्लड है, वेन के अंदर बेसिकली जो हम लोग ब्लड को फिल्ट्रेशन करते हैं और ब्लड के अंदर जो एक्सेस फ्लूइड है उसको निकाल देते हैं, तो वेन के अंदर एक टाइम क्या होता है, दो घंटे तीन घंटे बाद वेन के अंदर जितना भी फ्लूइड एक्सेस फ्लूइड रहता है वो पूरी तरह निकल जाता है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअसली जब फिल्ट्रेशन करते हैं ब्लड को डायलिसिस के थ्रू, तब क्या होता है वेन के अंदर जितने भी फ्लूइड रहता है एक्सेस फ्लूइड तो निकल जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, हमारा बॉडी का जो एक्सेस फ्लूइड रहता है ना, जैसे वेन के बाहर जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल जो सेल है, तो ये सेल के अंदर भी पानी रहता है, ये है वेन और इसके बाहर ये जितने भी सेल है सेल के अंदर भी पानी रहता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सेल के अंदर जो पानी रहता है वो पानी ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू हमारे वेन के अंदर जाता है, क्योंकि जब पानी निकल जाता है वेन के अंदर तो वेन का हालत एक किशमिश जैसा ही हो जाता है, इसके अंदर सिर्फ सॉलिड रहता है, सॉल्वेंट बहुत ही कम रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सेल है इसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट रहता है, सॉल्वेंट मतलब सिर्फ फ्लूइड रहता है, सॉल्यूट कम रहता है। तो ऑस्मोसिस का काम क्या है, फ्लूइड को लोअर सॉल्यूट से हायर सॉल्यूट की तरफ मूव करना, ये हाई सॉल्यूट है ये लो सॉल्यूट है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड है ये फ्लूइड को लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ मूव करता है, ठीक है। और उसी से वेन के अंदर फिर पानी जाता है, मतलब ब्लड के साथ फिर से पानी मिक्स होता है, और वो जो पानी आता है वो पानी दोबारा फिल्ट्रेशन होकर बाहर निकल जाता है, तो इसी से जो एक्सेस फ्लूइड रहता है बॉडी के अंदर वो फ्लूइड भी मतलब ऑस्मोसिस प्रेशर के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है, डायलिसिस के थ्रू निकल जाता है। तो इसी से हमारे बॉडी का जो एक्सेस फ्लूइड है, जो पानी नहीं निकल पाता, वो पानी को भी ऑस्मोसिस प्रेशर के थ्रू निकाला जाता है, ठीक है। तो ऐसे काम करते हैं ऑस्मोसिस। अब देखते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है, इट इज ए कंट्रोल फ्लूइड रिमूवल ऑफ हाइड्रोस्टिक प्रेशर, अल्ट्राफिल्ट्रेशन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन किसके थ्रू हो रहा है, बेसिकली फ्लूइड जो रिमूव होता है हाइड्रोस्टिक प्रेशर के थ्रू अल्ट्राफिल्ट्रेशन में फ्लूइड रिमूव होता है। तो ये हाइड्रोस्टिक प्रेशर क्या है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक डायग्राम है जिसके थ्रू दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे एक ट्रे है, ट्रे के अंदर पानी है, फ्लूइड है, ठीक है। ट्रे के अंदर तीन पोर्स है, तीन पोर्स के अंदर जो ऊपर का जो पोर्स है और जो नीचे का पोर्स है, ये दोनों के अंदर जो डिफरेंट
डिफरेंस ये फ्लो का डिफरेंस, मतलब ऊपर का जो पोर्स है उसका जो पानी जो गिर रहा है थोड़ा पास में गिर रहा है, लेकिन जो नीचे का पानी का जो प्रेशर है ये प्रेशर तो ज्यादा है, थोड़ा दूर जगह गिर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर का पानी का जो प्रेशर है ये नीचे के पानी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है ग्रेविटी के थ्रू। ये नीचे के पानी के ऊपर जो प्रेशर आता है ये प्रेशर के थ्रू ये पानी दूर जगह गिरता है, और ऊपर के पानी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता, ठीक है, जिसके थ्रू ऊपर का पानी का जो फ्लो है थोड़ा पास में जगह गिरता है। और ये जो प्रेशर क्रिएट करता है ये प्रेशर क्यों बोलते हैं? हाइड्रोस्टिक प्रेशर। और ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड करके हमारा जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, मतलब जो एक्सेस फ्लूइड है डायलिसर के अंदर जो एक्सेस फ्लूइड आ रहा है वो फ्लूइड निकालते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोल चुका हूं ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ्लूइड जो निकालते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर से फ्लूइड निकालते हैं, ठीक है, वेन के अंदर पानी आ रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सेल के अंदर जो फ्लूइड था वो फ्लूइड वेन के अंदर आ रहा था, और ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड डायलिसर के अंदर ये फ्लूइड निकाल रहा है। तो मतलब वो जो प्रेशर क्रिएट कर रहा था ऑस्मोटिक प्रेशर वो वेन के अंदर कर रहा था, और ये जो हाइड्रोस्टिक प्रेशर है ये डायलिसर के अंदर हो रहा है, मतलब ये फंक्शन डायलिसर के अंदर हो रहा है। जो वेन का जो ब्लड है वो ब्लड जब डायलिसर के अंदर आता है तो ये डायलिसर के अंदर कैसे फ्लूइड निकालता है, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन काम करता है। फ्लूइड जो निकालता है यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन काम करता है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर ये हाइड्रोस्टिक प्रेशर काम करता है, ठीक है, हाइड्रोस्टिक प्रेशर के थ्रू यहाँ पे पानी निकालता है। तो यहाँ पे जैसे यूएफ मेम्ब्रेन है, मतलब सही परिवहन मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करके इधर से पानी निकालता है, और यहाँ का मैकेनिज्म बेसिकली हाइड्रोस्टिक प्रेशर के थ्रू ऑटोमेटिकली निकालता है। इसमें जब भी ब्लड जाता है तो ऑटोमेटिक हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एक प्रेशर क्रिएट करता है, इसके थ्रू पानी निकाल जाता है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर सबसे ज्यादा रहता है, यहाँ का ब्लड का एक प्रेशर रहता है और डायलिसिस का जो प्रेशर रहता है थोड़ा कम रहता है। तो यहाँ पर जो हायर प्रेशर रहता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ऑटोमेटिक फ्लूइड निकलते रहता है। जैसे यहाँ पर डायलिसिस का जो डायग्राम है यहाँ पर दिखाया मैंने, ये है ब्लड कंपार्टमेंट, ब्लड कंपार्टमेंट का जो प्रेशर रहता है ज्यादा रहता है, ये ब्लड पंप का जो प्रेशर रहता है इसमें ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, और डायलिसिस का जो प्रेशर है थोड़ा कम रहता है। तो ये जो प्रेशर हायर प्रेशर है ये हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ऑटोमेटिकली, मतलब मेम्ब्रेन का फंक्शन ही ऐसा है, हाइड्रोस्टिक प्रेशर के थ्रू पानी ऑटोमेटिक निकल जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक मूव करता है। अब देखते हैं पॉजिटिव प्रेशर नेगेटिव प्रेशर क्या है। पॉजिटिव प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द डायलिसर रिजल्ट फ्रॉम ब्लड बींग पुश्ड बाय द ब्लड पंप। तो ये ब्लड पंप के थ्रू जो ब्लड जो इन हो रहा है डायलिसर के अंदर, इससे पहले एक ब्लड पंप रहता है, तो ब्लड पंप के थ्रू जो प्रेशर क्रिएट करके डायलिसर के अंदर जो ब्लड भेजते हैं ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। और नेगेटिव प्रेशर क्या है? प्रेशर टू द डायलिसेट साइड बाय द मशीन पुल्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम ब्लड कंपार्टमेंट टू डायलिसेट कंपार्टमेंट। और ये जो डायलिसेट कंपार्टमेंट से ब्लड कंपार्टमेंट की तरफ जो प्रेशर देता है इसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। यहाँ पे बेसिकली ये दो प्रेशर क्रिएट करता है, एक पॉजिटिव प्रेशर जो ब्लड पंप से आ रहा है, और एक नेगेटिव प्रेशर जो डायलिसेट पंप के थ्रू जा रहा है, मतलब डायलिसेट साइड से जा रहा है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोस्टिक प्रेशर कैसे कम करते हैं हमारे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर, या कैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर मतलब जो एक्सेस फ्लूइड निकल रहा है डायलिसर के अंदर से, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इन हेमोडायलिसिस वाटर इज रिमूव बाय हाइड्रोस्टिक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन व्हिच इज ए प्रेशर फेनोमेनन। तो हेमोडायलिसिस में क्या होता है, हाइड्रोस्टिक प्रेशर के थ्रू ये जो एक्सेस फ्लूइड है वो निकालता है, वाटर जो है निकालता है, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली निकालते हैं। मेम्ब्रेन का मैकेनिज्म ही ऐसा है, जब भी ब्लड अंदर जाएगा डायलिसर के अंदर ऑटोमेटिकली हाइड्रोस्टिक प्रेशर के थ्रू वो पानी निकालता जाएगा, ठीक है, एक्सेस फ्लूइड निकालते जाएगा। द प्रेशर ऑन द डायलिसिस साइड इज लोअर एंड वाटर मूव्स फ्रॉम ए प्लेस ऑफ हायर प्रेशर टू वन ऑफ लोअर प्रेशर। तो बेसिकली जो डायलिसिस का जो प्रेशर रहता है, मैंने पहले भी अभी बोला डायलिसिस का जो प्रेशर रहता है प्रेशर थोड़ा कम रहता है, तो ये मेम्ब्रेन में जो हायर प्रेशर रहता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है। हायर प्रेशर कहां रहता है, बेसिकली ब्लड कंपार्टमेंट में, तो ब्लड कंपार्टमेंट में जो प्रेशर रहता है उसमें हायर प्रेशर रहता है, तो पानी जब निकलता है तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करता है, ठीक है, और इसी मैकेनिज्म को डिपेंड करके फ्लूइड निकलता रहता है आउट ऑफ द प्लाज्मा, ठीक है, तो इसको डिपेंड करके प्लाज्मा से फ्लूइड निकालते रहते हैं। तो ये मैकेनिज्म को डिपेंड करके, मतलब ये फ्लूइड रिमूवल का जो प्रोसेस है इसके ऊपर डिपेंड करके डायलिसर में जब भी ब्लड आ रहा है कंटिन्यूअसली तब भी ऐसे ही फ्लूइड निकलते रहता है, ठीक है, जितनी बार सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड उतनी बार ये एक्सेस फ्लूइड निकलते रहता है, ठीक है, इसी मैकेनिज्म को डिपेंड करके। हाइड्रोस्टिक प्रेशर बिटवीन द ब्लड कंपार्टमेंट एंड द डायलिसेट कंपार्टमेंट अक्रॉस द डायलिसिस मेम्ब्रेन दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर। तो हाइड्रोस्टिक प्रेशर के थ्रू ब्लड कंपार्टमेंट डायलिसेट कंपार्टमेंट में जो प्रेशर क्रिएट करता है इसको ही बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर, ठीक है, जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट करता है उसको बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर। तो ये प्रेशर का एक नॉर्मल रेंज रहता है डायलिसिस में 100 टू 150। तो ये है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेसिकली हाइड्रोस्टिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करके ये निकाल रहा है। और हाइड्रोस्टिक प्रेशर कैसे काम करता है, जहां पे हायर प्रेशर है हायर प्रेशर से डायलिसिस कंपार्टमेंट में जो लोअर प्रेशर है ये हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करके जो एक्सेस फ्लूइड है वो निकालता रहता है, और ये काम ऑटोमेटिकली होता रहता है, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं तो प्रिंसिपल डायलिसिस क्या है। बेसिकली प्रिंसिपल डायलिसिस हो रहा है कहां पे, हमारे डायलिसिस के अंदर हो रहा है। अब देखते हैं सॉल्वेंट क्या है, जो डिसॉल्व हो जाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। सॉलिड क्या है, जिसके अंदर डिसॉल्व होता है उसको कहते हैं सॉल्यूट।
मेंबर, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होकर सॉल्यूशन बनता है। सेमीपरमेबल मेंब्रेन क्या है? ये एक टाइप का रेल है जिसके अंदर कुछ सब्सटेंस जाने का परमिशन मिलता है, और ऐसा बहुत कुछ सब्सटेंस जो जाने का परमिशन नहीं मिलता। बेसिकली जो मोलर इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल से वो जा सकता है, और ऐसे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से जो साइज में बड़ा है वो जा नहीं पाता। ठीक है, मैकेनिज्म हम सॉलिड और फ्लूइड अक्रॉस द मेंब्रेन, तो कौन कौन से मैकेनिज्म डिपेंड करके सॉलिड और फ्लूइड निकलता है। तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, डायलिसिस के अंदर तो बेसिक जो तीनों टॉपिक मैंने दिखाया, और कन्वेक्शन एब्जॉर्प्शन तो हेमोडायफिल्ट्रेशन हेमोफिल्ट्रेशन में यूज होता है। डिफ्यूजन क्या है? तो सॉल्यूट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तरफ मूव करते हैं, और इसी मैकेनिज्म को डिपेंड करके हमारा जो बॉडी का जो सॉल्यूट है जैसे यूरिया, क्रिएटिन या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी बैलेंस होता है। और ऑस्मोसिस प्रेशर के थ्रू क्या होता है? हमारे बॉडी का जो एक्सेस फ्लूइड है मतलब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सेल है उसके अंदर जो फ्लूइड रहता है वो फ्लूइड हमारे वेन के थ्रू डायलिसिस में आता है, इसके थ्रू जो बॉडी का जो एक्सेस फ्लूइड है वो निकलता है। और अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसे काम कर रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर के थ्रू डायलिसिस के अंदर जो ब्लड आ रहा है और ब्लड के अंदर जो एक्सेस फ्लूइड रहता है वो फ्लूइड इसी मैकेनिज्म को डिपेंड करके हाइड्रोस्टिब्यूशन के थ्रू निकालता है। ठीक? तो ये था प्रिंसिपल डायलिसिस का टॉपिक। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।